ए घोड़े, क्या हुआ? मैंने तुझको बोला था पंडित जी को कॉल करने के लिए, किया कि नहीं? नहीं पापा, अभी तक नहीं किया। करता हूँ पापा। करता हूँ पापा। कब करेगा? शादियों का सीजन है, ये पंडित जी लोग सब बिजी होते हैं शादी सीजन में। और अगर 2 दिन में हमें पंडित नहीं मिले तो? सॉरी ससुर जी। शुभ शुभ बोलिए ना जरा, अभी सगाई हो गई, संगीत हो गया, अभी हल्दी भी हो गई, और आप बोल रहे हो कि मेरा मुंह मत देख तू, जल्दी से फोन कर पंडित जी को। पापा मेरे पास नहीं है, पर कोई पंडित जी का नंबर नहीं है? नहीं है। तेरे पापा के दोस्त के पापा थे ना पंडित जी, कौन दोस्त? शरद कुलकर्णी की बात कर रहा हूं मैं। उनके पापा कुलकर्णी अप्पा कितने बड़े पंडित है। आगो भाई, ससुर जी कुलकर्णी अप्पा वही ना जिन्होंने श्रेया के पापा की और मेरी शादी की थी? हाँ सुन भाई, वही। लगाइए ना उनको फोन। पापा मैंने उनका नंबर जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन डिलीट कर दिया। ससुर जी देखिए, जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि इनको ऐसा बोलना है कि मुझसे शादी करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जानबूझ के मुझे टोमने मारे हल्दी के दिन। क्या है ये, हंस क्या रहे? बिन लाजा मस्ती आई है, अभी उतारो क्या तेरी सारी मस्ती मूर्खा। चलो जल्दी वो नंबर ढूंढो और फोन करो पंडित जी को। ढूंढता हूँ पापा। ढूंढ जल्दी। मैं ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, क्या करूं, मेरी सांस नहीं ब्रांडेड। सोमो बंद करो तुम्हारा ये ब्रांडेड गाना। क्या हुआ सोशो, गुस्से में दिख रहे हो? जेनी को देख रही हो? मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती वो। तुमको क्यों चाहिए भाव? अरे मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, अब मुझसे वो बात भी नहीं करती, इग्नोर मारती है। करेगी ही ना, अपने जेनी को जूजू मिल गया है। सुमो क्या बात है, मुझे बताओ ये जेनी का क्या चक्कर चल रहा है? सोशो जरा शांत बैठो। मुझे बहुत गुस्सा आया आज उस पे, वो मुझे बिल्कुल अपना दोस्त नहीं मानती। अरे मेरी वजह से वो इंडिया में आई है। धीरे बात करो, कोई सुन लेगा। क्या हो सुमित्रा बहन, कुछ इंपोर्टेंट बात चल रही है? कुछ नहीं शशि बहन, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। सुशो बोलो ना, क्या बात है? पति पत्नी की निजी बात है, आपको क्या करना है जान के? सोमो बताओ मुझे, सुमो क्या बात है? तुम्हारी फॉरेन की दोस्त को ये इंडिया का अभिजीत पसंद आ गया है। क्या बात कर रहे हो तुम, पर अभिजीत का अवसर भी कल फड़ा है ना। कुछ भी क्या बोल रहे हो? नो आई मीन वो बचपन के दोस्त है, एंड वो दिखते भी है वैसे कुछ लव बर्ड टाइप। उन दोनों का क्या है मुझे नहीं पता, पर ये जेनी अभिजीत के प्यार में लट्टू हो गई है। देखा ना संगीत में ऊ अंटो वाह कैसे कर रही थी। और तो और उस दिन लव लेटर लिखा था, पता नहीं क्या किया उसका। ये जेनी जैसे दिखती है वैसे है नहीं, बहुत आगे की चीज है, मुझे नहीं लगा था ऐसी निकलेगी वो। अब हम क्या बोल सकते हैं, वैसे भी उसकी लाइफ है, जीने दो उसको। कर रही है मुझे इग्नोर, करने दो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं वैसे तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों से बात करता हूँ बस। बूंदी के लड्डू, जलेबी भी करते जलेबी, और कैसे अच्छा लगेगा। वैसे ठूसने के लिए तो सबको फ्री का अच्छा लगता है, पर शर्मिला जी रसगुल्ले ऐड किए कि नहीं आपने? नहीं शर्वरी जी, रसगुल्ले नहीं बन सकते क्योंकि हमने पहले ही 2 मिठाई फिक्स कर दी है, जलेबी और मोतीचूर के लड्डू। ए बाऊ, क्यों नहीं होंगे रसगुल्ले ऐड? होंगे रसगुल्ले ऐड। तस्मा पहले जलेबी और मोतीचूर के लड्डू फिक्स हो गए हैं। सिर्फ 2 ही मिठाई? बजट इतना नहीं है तस्मा। चुप कर, हर बार तेरा बजट बजट बजट। अरे मैं दूंगी पैसे रसगुल्ले के, जरा ऐसा वैरायटी तो होना चाहिए कि नहीं शादी में। चुपचाप ऐड कर रसगुल्ले। करती हूँ रसगुल्ले रसगुल्ले। अच्छा सुनिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं बनाना, सब सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के बाहर का कोई नहीं आने वाला। नहीं रुकिए, 2 लोग हैं, सुनैना और सुनैना की मम्मी, वो दोनों आ रहे हैं। वो सुनैना क्यों आ रही है? क्यों क्या क्यों?
वो मेरे बहुत करीब के हैं, इसलिए। क्या जरूरत थी उन दोनों को बुलाने की? सिर्फ सोसाइटी के बीच में शादी है ना? सासु माँ, मैंने उनको इनविटेशन दे दिया है, आ रहे वो लोग। वो लड़की एक नंबर की है। वो सुने ना तो बहुत क्यूट है। मिस ब्यूटीफुल नहीं है, क्यूट नहीं है वो लड़की, किसी भी एंगल से क्यूट नहीं है। कौन है ऊपर? Hey you! Hey पुस्के! Hello दादी। तुझको एक काम करने के लिए बोला। What is this? क्या है ये? फूलों की माल है वो। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ठीक से लगाने का ना, ऐसा सिर पे गिर गया ना मेरे। कैसे गिरी? ऐसे। वाह दादी, क्या दिख रही हो आप? हाँ, अच्छे दिख रहे हो क्या? बहुत खूबसूरत दिख रही हो आप इसमें। फोटो तो ले एक ऐसा। हाँ एक मिनट। आपकी जवानी का राग क्या है दादी? अरे क्या काले कौवे पकड़े हैं। संभल के दादी, कल शादी है। बातें कड़वी करती है पर बड़ी क्यूट लगती है। चंपा, अभी वो चूड़ी वाली आ रही है, चूड़ी फंक्शन का कार्यक्रम करना है। चूड़ी पहनने का फंक्शन? शेरवरी जी, हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो शादी से एक दिन पहले दुल्हन को चूड़ियाँ भरते। क्या लगाया है ये, कुछ काम नहीं करते तो दुल्हन को एक दिन पहले चूड़ा भरते हैं। अच्छा, तो तैयार है ना चंपा? ठीक है, आपको भी भरनी है? ना ना, मेरी कौन शादी है। नहीं वैसे नहीं बोल रही, अगर आपको नई चूड़ियाँ भरनी हो तो वो चूड़ी वाली आ रही है, देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ है, मैं भी भरने वाली हूँ। नहीं मुझे नहीं भरनी। ठीक है आपकी मर्जी, मुझे क्या करना है, फ्री का मिल रहा था लेने का। आ गई आप चंपा? ये है दुल्हन, बहुत सुंदर दुल्हन है, आओ बैठो। रजिया जी, चूड़ियाँ ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो भरी भरी दिखनी चाहिए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमारी चूड़ियाँ एकदम भरी भरी होती है, बिल्कुल टूटेगी नहीं। हरा थोड़ा चाहिए ना? हाँ हरी। हाथ आगे करो। वाह वाह वाह, सगाई की अंगूठी तो काफी अच्छी दिख रही है। वाह वाह वाह, काफी अच्छी दिख रही है चंपा।